आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, let's take a look at the question, and the question says that my friend has been living in Canada dash 2 years. Okay, so इस सवाल में हमें एक blank space दिया है, हमें उस blank space में correct option डालना है। और यहाँ पर इस सवाल में अभी हम लोग बात कर रहे हैं preposition की, तो यहाँ हमें preposition put करना है, preposition, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि ये प्रेपोजिशन होता क्या है। तो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स या वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब ये जो प्रेपोजिशन है, ये किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस में सेंस डालते हैं। तो इन वर्ड्स का एग्जांपल है इन, फॉर, थ्रू, एक्सेट्रा, ओके। अब ये जो प्रेपोजिशंस है, ये एक तो डायरेक्शन, अगर कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल टाइम दिखा रहा है, ही वाज बोर्न इन 1997, अब जो ही वाज बोर्न इन 1997 हुआ, तो उसमें जो इन हुआ वो प्रेपोजिशन हुआ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल के तरफ, जो कि है माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कैनेडा, और यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो है फॉर, ठीक है। तो अभी हमारा करेक्ट आंसर इज फॉर, कि माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा फॉर 2 इयर्स, मतलब वो 2 साल के लिए कनाडा में रह रहा है। और यहाँ पर हमें टाइम का इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि इयर्स मतलब टाइम, तो फिर इसीलिए हम लोग यूज करेंगे फॉर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।